न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। धर्म अर्थ मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वस्थ तन प्रसन्न मन प्रफुल्लित भावना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ तन नहीं है तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। कहा गया है कि कमज़ोर आदमी परमात्मा के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकता। ये बाइबल में भी कहा गया है कि कमज़ोर आदमी भगवान के दरवाजे तक नहीं पहुँच सकता। और योग जो है सबको सर्वप्रथम हेल्दी बनाता है, हेल्दी हैप्पी पीसफुल जॉयफुल ब्रेथफुल लिविंग, इसको योग के द्वारा प्राप्त। योग के साधन क्या हैं? आसन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, बंधाद हैं, षटकर्माद हैं, उनके द्वारा। हमारी जनरेशन तो बहुत अच्छी है, इंटेलेक्चुअल भी है और कुछ अच्छा काम करना चाहती है। योग करने से तो उनको फ़ायदा ही होगा, संतुलित होते हैं और कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, सोचने की शक्ति अच्छी होती है। अच्छा, अगर वो करेंगे तो बहुत फ़ायदा है और देश को भी फायदा है। व्यायाम नहीं हो सकता है। कुछ आसन हैं जिसमें हाथ का मूवमेंट होता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनका मूवमेंट होता है, उसको ब्रीदिंग के साथ करना है और फीलिंग के साथ करना है, अवेयरनेस के साथ करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है जिसे आजकल लोग सूर्य नमस्कार के साथ करते हैं, अगर किसी के पास वक्त कम है और कुछ वो सूर्य नमस्कार कर लेता है तो काफ़ी हद तक शरीर का मूवमेंट हो जाता है। और अगर ब्रीदिंग के साथ में करता है और अगर हो सके तो मंत्र जाप के साथ में करें तो सबसे अच्छा है। ये जो सेंटर है लिली इंटरफेथ सेंटर है, यहाँ पर सब एक्टिविटीज़ होती है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस, सो इट्स व्हाट टू से नेशनल इंटीग्रेशन। एंड विथ योगा वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड मोर ऑफ लव, प्यार फैला रहे हैं, तंदुरुस्ती फैला रहे हैं, एकता फैला रहे हैं। देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, बदले सोच समय के साथ।